हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जन संचार अचीवर्स। मैं सर ब्रदर्श शर्मा। आज हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल। इसमें फर्स्ट है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स टेक ऑन वैल्यूज दैट आर नेम्स और लेबल्स। द कलर ऑफ बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल होते हैं? जैसे जो नाम हो गया या लेबल हो गए, जैसे कि किसी बॉल का कलर जो है वो उसका क्वालिटेटिव वेरिएबल है या कैटेगोरिकल वेरिएबल है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर न्यूमेरिक, दे रिप्रेजेंट अ मेजरेबल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी स्पीक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पीपल इन सिटी आर क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जो न्यूमेरिक होते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, जिसका उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, जो एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। नेक्स्ट है यूनिवेरिएट वर्सेस बाईवेरिएट डाटा। व्हेन वी कंडक्ट अ स्टडी दैट लुक्स एट ओनली वन वेरिएबल, वी से दैट वी आर वर्किंग विद यूनिवेरिएट डाटा। जब हम एक स्टडी कंडक्ट करते हैं और उसमें केवल हम एक वेरिएबल के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उसको यूनिवेरिएट डेटा कहते हैं। जैसे व्हेन वी कंडक्ट अ सर्वे टू एस्टिमेट एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स, सिंस वी आर वर्किंग विद यूनिवेरिएट डाटा। जैसे हम एक सर्वे कंडक्ट करते हैं जिसमें हम एवरेज वेट जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पर हम सिंगल वेरिएबल पर काम कर रहे हैं जो क्या है, वेट है। When we conduct study that examines the relationship between two variables, we are working with bivariate data. For example, if there were relationship between height and weight of students. जब हम एक ऐसी study conduct करते हैं जिसमें हम दो variables के बीच में क्या relationship है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो ये bivariate data होता है। जैसे height and weight में students का क्या relationship है, तो ये कौन सा data है, ये बाई वेरिएट डाटा है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अ वेरिएबल ऑफन डिनोटेड बाय एक्स इज द वेरिएबल यू हैव कंट्रोल ओवर, व्हाट यू कैन चूज एंड मैनिपुलेट। एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है। इट मीन्स कि हम इसको चेंज कर सकते हैं और हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट अफेक्ट्स डिपेंडेंट वेरिएबल। It must have two levels, that is at the very least an experiment involves a comparison between two conditions. ये एक तो dependent variable को affect करता है, इसके two level होते हैं। एक तो very least क्या होता है, experiment में हम इनको use करते हैं, हम उसको जब manipulate करते हैं तो एक बार हम उसको manipulate करते हैं और एक बार नहीं करते हैं, और इन दो conditions को हम observe करते हैं। जैसे एग्जांपल, इसका इफेक्ट ऑफ नॉइस ऑन परफॉर्मेंस, नॉइस वुड बी एट लीस्ट टू लेवल लोअर हाई और नो नॉइस एंड सम नॉइस। जैसे एक नॉइस है, शोर हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस पर स्टडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो नॉइस के दो लेवल हो सकते हैं, लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, या नॉइस नहीं हो सकती और थोड़ी नॉइस हो सकती है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल। A variable often denoted by y is what you measure in the experiment and what is affected during the experiment. It depends on variation on independent variable. एक ऐसा variable है जिसको हम y से denote करते हैं, और ये इसको हम क्या करते हैं, जब भी हम experiment करते हैं तो हम क्या करते हैं, independent variable है उसको उसमें हम change लाते हैं, और उसका dependent variable पर क्या effect पड़ रहा है उसको हम observe करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। मोस्ट एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व मैनी वेरिएबल्स व्हेन टू कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स आर कंपेयर्ड एज इन कोरिलेशनल स्टडीज। जो भी ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो काफ़ी सारे वेरिएबल्स को अपने साथ लेके चलते हैं, जब दो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कंपेयर करे जाते हैं जैसे कोरिलेशनल स्टडी में, तो यहाँ पर एक क्या प्रॉब्लम निकल के आती है कि हम किसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहें और किसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहें। इन सच केसेस वेरिएबल्स आर कॉल्ड फैक्टर्स एंड देयर वेरिएशन मे बी कॉल्ड लेवल्स। इन केसेस में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल्स हैं जिनमें हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से इंडिपेंडेंट हैं और कौन से डिपेंडेंट हैं, तो पहले हम इनको नाम देते हैं फैक्टर्स का, और जो भी इनमें वेरिएशन आता है उसको हम कहते हैं लेवल्स।
इंडिपेंडेंट मेजर डिफरेंस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करा जाता है और डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको ऑब्जर्व करा जाता है. नेक्स्ट है डायकोटमस वेरिएबल. ए डायकोटमस वेरिएबल इज वन दैट टेक्स ऑन वन ऑफ ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज व्हेन ऑब्जर्व और मेजर्ड. द वैल्यू इज मोस्ट ऑफन अ रिप्रेजेंटेशन फॉर एन एटीट्यूड. डायकोटमस वेरिएबल कौन सा होता है, इसकी सिर्फ ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज होती हैं जब भी हम उसको मेजर करते हैं. तो ये वैल्यू क्या होता है, बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है एटीट्यूड का. जैसे जो जेंडर है या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है. इफ डायकोटमस वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अनदर वेरिएबल दैट अंडरलाइंग वेरिएबल मे बी इधर ऑब्जर्व और अनऑब्जर्व. दीज डायकोटमस वेरिएबल्स कैन बी यूज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल. जो इफ जो अगर डायकोटमस वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है कोई और वेरिएबल को, तो या तो ये वेरिएबल ऑब्जर्व हो सकता है या अनऑब्जर्व हो सकता है. और इनको हम क्या नाम दे सकते हैं, ये इनको हम क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह भी देख सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह भी देख सकते हैं. नेक्स्ट है लेटेंट वेरिएबल. एंड अंडरलाइंग वेरिएबल दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व इज कॉल्ड लेटेंट वेरिएबल. इट इज हाइपोथेसाइज्ड टू एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अदर वेरिएबल सच ए स्पेसिफिक बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व. लेटेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए उनको लेटेंट वेरिएबल कहते हैं. इनका हम अनुमान लगाते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं, किस लिए, जब हम किसी और वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि जो बिहेवियर है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है मीडिएटिंग वेरिएबल. अ मीडिएटिंग वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट प्लेज अ रोल इन मोल्डिंग द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल. इन अदर वर्ड्स इट एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मीडिएटिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मीडिएटिंग द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, उसको जानने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ये क्या बताता है कि जो उसका रिलेशनशिप कैसा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का. नेक्स्ट है मॉडरेटिंग वेरिएबल. A moderator variable commonly denoted by M is a third variable that affects the strength of relationship between dependent and independent variable. Moderator variable को हम M से denote करते हैं और ये ऐसा third important variable है, ये strength को affect करता है. किसकी strength को, relationship क्या है dependent और independent variable, उसकी strength को basically affect करता है. It influences relationship between two other variables and thus produces इंट्रैक्शन इफेक्ट. जैसे जेंडर एंड प्लेस, रूरल एंड अर्बन, प्लेस रूरल अर्बन हो सकता है, ये इन्फ्लुएंस करता है अदर वेरिएबल्स को और जिस उससे क्या होता है कि इंट्रैक्शन ये बनाता है. नेक्स्ट है इंटरवीनिंग वेरिएबल. इट अफेक्ट्स ऑब्जर्व फिनोमिनन बट कैन नॉट बी सीन एंड मेजर और मैनिपुलेटेड. जैसे एटीट्यूड, लर्निंग प्रोसेस, हैबिट एंड इंटरेस्ट. इंटरवीनिंग वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो ऑब्जर्व फिनोमिनन है उसको ये इफेक्ट डालते हैं. मतलब क्या आपने ऑब्जर्व करा है उसको इफेक्ट करते हैं. इनको आप देख नहीं सकते, ना मेजर कर सकते हो ना मैनिपुलेट कर सकते हो. जैसे एटीट्यूड हो गया, लर्निंग प्रोसेस, हैबिट एंड इंटरेस्ट. नेक्स्ट है डमी वेरिएबल. इट इज़ अ न्यूमेरिकल वेरिएबल यूज इन रेग्रेशन एनालिसिस टू रिप्रेजेंट सब ग्रुप्स ऑफ द सैंपल इन अ स्टडी. ये एक न्यूमेरिकल वेरिएबल होता है और ये बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस में यूज करा जाता है, क्या सब ग्रुप को दिखाने के लिए कि सैंपल ऑफ स्टडी क्या है. इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप्स. ये कब यूज होता है कि जो डिफरेंट आपने ग्रुप्स बनाए हैं उनको क्या क्या किस तरह से ट्रीट करा जा रहा है. वी वुड यूज ए 01 डमी वेरिएबल वेयर अ पर्सन गिवन अ वैल्यू ऑफ 0 इफ दे आर इन कंट्रोल ग्रुप और 1 इफ दे आर इन ट्रीटेड ग्रुप. जैसे हम 0 और 1 एक नाम दे देते हैं ग्रुप को, जैसे कंट्रोल ग्रुप है तो उनको 0 दे दिया और अगर वो ट्रीटेड ग्रुप में है तो उनको 1 दे दिया. नेक्स्ट है कंट्रोल वेरिएबल. अ वेरिएबल दैट एन इन्वेस्टिगेटर डज नॉट विश टू एग्जामिन इन अ स्टडी कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल. इट डज नॉट चेंज थ्रू आउट एन एक्सपेरिमेंट दस इन्वेस्टिगेटर कंट्रोल दिस वेरिएबल. कंट्रोल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम एग्जामिन नहीं करते हैं स्टडी में,
इट डज नॉट चेंज थ्रू आउट एन एक्सपेरिमेंट, और ये चेंज नहीं होता है, कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए जो इन्वेस्टिगेटर होता है इस वेरिएबल को कंट्रोल रखता है. नेक्स्ट है कन्फाउंडिंग वेरिएबल. अ कन्फाउंडिंग वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज को रिलेटेड टू बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इट इज अनकंट्रोल्ड एक्सट्रानियस वेरिएबल दैट को वेरीज विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कुड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट. एक कन्फाउंडिंग वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम दोनों के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ. इसको ये अनकंट्रोल्ड एक्सट्रानियस वेरिएबल होता है, एक तरह से ये भारी वेरिएबल है. ये को वेरी करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ और एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन देता है. इट मीन्स कि जो भी आप एक्सप्लेनेशन मिल रही है जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज करते हैं, उसकी वजह ये एक और ही ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन रिजल्ट के लिए देता है. नेक्स्ट है डिस्क्रीट वेरिएबल्स मेजर इन होल नंबर्स. एग्जाम्पल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ वीक्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल. ये डिस्क्रीट नंबर वो होते हैं जो होल नंबर होते हैं, मीन्स जो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं. नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मेजर्स इन डेसिमल इंटरवल रेशियो. ये क्या होता है जिनको हम डेसिमल में हम उनको दर्शा सकते हैं, इसके टाइप्स क्या है, इंटरवल है. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे. होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जनसंचार अचीवर्स. थैंक यू.